हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को आज का नया वीडियो में बहुत बहुत वेलकम। और मैं बता दूं कि आज बहुत ही खास दिन है, और ये खास दिन इसलिए क्योंकि दो लेडी राइडर जो कि एक महीना पहले जो मुहिम चलाया था राइड को लेके, तो राइड तो अवेयरनेस को लेके, जो रेसिज्म का अवेयरनेस को लेके और तो प्रमोट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेके, और पूरे नॉर्थ इंडिया में उन घूम के राइडिंग करके बाइक थ्रू वो वापस आ रहे हैं आज शाम को। और वी हम लोग यहाँ पे गेदर हुए हैं होलोंगी का चेक गेट नियर बाय टेंशन हीलिंग ढाबा के कर एक जगह है, इसको रिजॉर्ट भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आया हुआ है, मैनी राइडर्स आर हियर गैदरिंग हियर टू रिसीव देम। तो वैसे उन लोग पहुँचने वाला है, तो उसी के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं कुछ स्पेशल खास अंदाज में। वेलकम 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 मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। चाइना ऐसे बोल, चाइनीज बोला था, नहीं चाइनीज नहीं है, हिंदुस्तान है ना, ऐसे जवाब दिए तो नो 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 नो, आप कैसे हिंदुस्तान हो सकते हो। राइडर्स से सपोर्ट मिला है, वो वहाँ वेलकम किया है, वो लोग भी इतना अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है कि एक्सपीरियंस मिला तो बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एंड तो लास्टली वही बोलेगा कि हम अपना क्लाउड डीसी या चीफ और जितना मेंबर्स है इतना सपोर्ट करने के लिए, फिजिकली मॉरली सपोर्ट देने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सबको जितना आईबीसी फैमिली राइडिंग जितने भी सीनियर्स हम लोग के साथ हाजिर रहे हो, इवन नॉन राइडर्स जो वेल विशर जो हम लोग इतना मोरम लग के प्यार लग के इतना सोच के ना वॉलेंटियरली हम लोग, आई थिंक बहुत लोग को हम लोग देखा भी नहीं, जानता भी नहीं, अभी देख रहे, तो सबको लाइक दिल से थैंक यू। और हम लोग तरस गया था अरुणाचली वाला सकल देखने के लिए। आई थिंक एक्सपीरियंस तो बोलेगा तो क्या बोलेगा, कैप्टन तो ऑलरेडी लीड किया है, उसको हमसे ज़्यादा क्या तकलीफ वकलीफ सब उसको ही मिला होगा, क्योंकि हर जगह से कोऑर्डिनेट वो क्या है, हमसे तो छोटा है लेकिन भी राइडिंग में वो सीनियर है, मतलब कैप्टन दिया था, हम विथ रेस्पेक्ट हर चीज़ डिसीजन को माना है, क्योंकि हम लोग का रूल्स रहता है, हमेशा सिखाता आया है कि राइडिंग में जब भी हम लोग ऑफिशियली राइड में जाने से हर इंचार्ज का अपना सेक्शन होता है, तो हम लोग राइड कैप्टन को हमेशा फॉलो करता है, तो हम भी वही करता है। आई होप आई डिड माई विल। और आई अभी हम बोल रहे हैं राइड अभी जस्ट हम लोग अभी कंप्लीट हुआ ना, तो आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप बहुत अच्छा सक्सेसफुली, मत अनएक्सपेक्ट हम सोचा नहीं था ऐसा कर रखे है ना, क्योंकि शुरू से इतना दिल में नर्वस भी हो रहा था, क्योंकि पूरा स्टेज से फर्स्ट टाइम हम लोग बाहर जा रहे हैं, और सोलो भी हम लोग कभी एक्सक्लूसिव ऐसे ट्राई नहीं किया ना, हमेशा क्लब लोग हम लोग रानी का जैसे एस्कॉर्ट करके, रानी का जैसे क्वीन जैसे ले जाता था, तो इस बार हम लोग का खुद का एक चैलेंजिंग भी था कि हम लोग करना है इसको सक्सेसफुली। जो रेसिज्म वाला थीम है, कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि लोग उसको बहुत क्वेश्चन भी डालते हैं, क्या ये रेसिज्म क्यों, और कुछ लोग ने ऐसे भी सवाल किया क्या क्यों लगता है आप लोग रेसिज्म करते हैं, क्यों लगता है हम लोग आपको अलग समझते, ऐसे हम लोग के ऊपर तो खुद ही क्वेश्चन किया, तो बहुत सा ऐसा बहुत हम लोग को फील इवन बोल सकते हैं कि सच में हम लोग वो महसूस किए कि सच में हम लोग अरुणाचली या नॉर्थ ईस्ट वाला लोग अगर बाहर जाने से रेसिज्म फील होने से कैसा हालत होता होगा ना, क्योंकि हम लोग वहाँ ना सब लोग आके फोटो वोटो खींचता है उसका, वो सेलिब्रिटी वाला फील नहीं आता हम लोग को लगता है कि हम लोग एलियन है, अलग दुनिया से आया है, हम लोग मतलब इस नज़र से देखते हैं कि अरे मार्केट में क्या यूनिक सामान आ गया, मतलब जबकि हम लोग वी आर ओ इंडियन ना, तो उसको हम लोग बताना पड़ रहा है कि हम लोग इंडियन, हम लोग हिंदी वो सुन के भी सब सरप्राइज है कि सच में ये लोग हिंदी भी बोल रहे हैं, ऐसा वाला आधार कार्ड दिखाने तक नौबत आ गया था, ऐसा हो गया था, बट हम लोग का मेंटेनेंस शुरू से था कि हम उसको तो करना ही, सोच को बदल देगा बोल के हम लोग गया था, तो हम लोग एनी हाउ मैनेज किया जितना सका, हम लोग एग्रेसिव नहीं हो गए, झगड़ा का माहौल नहीं बना के सबको फ्रेंडली वे में अच्छा से बात किया, समझाया कि हम लोग ना ये हम लोग अरुणाचल से है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो अरुणाचल मतलब पूरा भारत का भाग है, और ये हम लोग का लुक्स जो है मोगल होने का कारण
ये चीन का सामने जो हमारे पहाड़ी होने का कारण ऐसा है, तो इसमें हम लोग को कोई गलती नहीं है ना। आप लोग हम लोग का लूज को लेके या इन फ्यूचर हम लोग का जैसे कोई आने से उसको भी डायरेक्ट चीन की चाइना से मत बोलिए, पहले पूछिए कहाँ से आए। तो इन शॉर्ट में बोलेगा कि हम दोनों का राइड अभी ऑफिशियली सक्सेसफुल खत्म हुआ, तो हम लोग बहुत खुश है और भगवान का दया से सही सलामत वापस आया है। और आप लोग का दुआ के कारण ही है शायद, क्योंकि इतना दूर गया था, आप लोगों का ब्लेसिंग्स नहीं होने से तो हम लोग तो बोलता है परों का आशीर्वाद बहुत जरूर होता है बोलते, तो आप लोगों को थैंक यू। और उम्मीद करता है कि हम लोग जो मिशन लेके गया है वहाँ बहुत लोगों को कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा होगा, जितना अभी तक हम लोग को वहाँ से जो रिस्पॉन्स मिला है सब पॉजिटिव था। और बहुत लोग ने हम लोग को प्यार दिया कि हम लोग नहीं सोचा था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले इतने प्यारे होते हैं, बोलते ना दिल से सब लोग वेलकम किया, तो हम लोग के लिए वही दिल खुश था। तो राइट सक्सेसफुली, थैंक यू वेरी मच। Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.